जैसे कि आप लोगों ने देखा, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट. एंड ये जो फिल्म बनाई है, हम लोगों ने ये एक असली कथा के ऊपर बनी हुई फिल्म है. और इसके अंदर जो डायरेक्टर है हमारे, मिस्टर जगन, आई वांट यू गाइस टू जस्ट गिव हिम अ बिग हैंड बिकॉज दिस इज हिज फर्स्ट फिल्म. जगन, ये जगन की पहली फिल्म है. मैं जगन को बहुत पुराने से जानता हूँ, जब ये मुर्गडॉस जी के असिस्टेंट हुआ करते थे. मैंने फिल्म हॉलीडे की थी तब ये वहाँ थे, और फिर उसके बाद बालकी के साथ भी इन्होंने असिस्ट किया. एंड ही इज़ ऑलवेज बीन वन पर्सन आई रियली एडमायर, अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय. एंड ही इज़ द गाय हु गॉट द स्टोरी टू मी एंड टोल्ड मी अबाउट द होल इसरो थिंग. जगन, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टोरी. मुझे नहीं पता ये फिल्म हिट है या नहीं होगी, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ, मैं अपने सारे आर्टिस्टों को भी यही कह चुका हूँ, मेरे जितने भी कलीग्स हैं इनको सबको ये कह चुका हूँ कि ये नहीं पता कि ये कितनी हिट होगी या नहीं होगी, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ दिस फिल्म. एंड आई एम वेरी 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 प्राउड ऑफ दिस फिल्म. मैंने करीबन 150 फिल्में कर चुका हूँ. And I was just telling them that this is one of the best film I have done. And I would, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एम सी नहीं लाए हम, क्योंकि ये मैं ही एम सी हूँ, ताकि कोई कुछ किसी को कोई बुरा नहीं लगे. सो तो आज जो भी कहेंगे आप लोग मुझसे कहेंगे. प्लीज कीप इट टू द मूवी ओनली. Okay. So are you guys ready? Are you guys ready? Akshay sir, prem se. Akshay sir, your center. Rahul here from the filmy charcha. Yeah, yeah. मेरा सवाल सबसे था, सबसे पहले तो trailer बहुत ही अच्छा है. Thank you. जितना मेहनत आप लोगों ने किया है उतना ही अच्छा काम दिख रहा है सर. तो बहुत अच्छी मूवी है और आप लोगों का बहुत ही अच्छा योगदान है सर. तापसी जी, सॉरी मैंने आपका नाम नहीं लिया, मेरा मतलब सबका, तो मतलब सबसे है. आपस में लड़ पड़ेंगे हम लोग. आपसे शुरू करते हैं सर. हाँ, आपसे पूछ ले, कोई तेरा फेवरेट है पूछ ले. नहीं नहीं, आपसे सर, आपसे शुरू करते हैं सब. ओके, तो सच बताएं तो इतना ज्यादा वाकिफ नहीं थे, इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में. लेकिन फिल्म के द्वारा मैं खुद भी चाहता हूँ, मुझे भी पता, बहुत कुछ चीज़ें पता चली जब मैं अपने डायरेक्टर जगन से मिला. काफ़ी चीज़ें की इसने मतलब आंखें खोली, मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हम जानते ही नहीं इसके बारे में. मतलब क्या आप लोग जानते हैं कि ये जो हमने मंगलयान का जो पूरा बनाया है, कितने रुपये में बना था, कोई बता सकता है? 450 करोड़ के अंदर बना था. और नासा ने जो वैसा ही किया सैटेलाइट का, उन्होंने भी सैटेलाइट मार्स पे भेजा, करीबन मोर देन 6,000 करोड़, और हमने सिर्फ 450 करोड़ में किया. और कमाल की बात यह है, देखिए कि मेरी फिल्म 2.0 का बजट 500 करोड़ था, उससे कम में कर गई है. तो मतलब ये कमाल की एक ऐसी स्टोरी है जो मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास जाए. इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फॉक्स डिज्नी का कि ये आए, हमारा स्टूडियो बने और हमारे साथ इस चीज़ों पे विश्वास किया और इस फिल्म को आगे बढ़ने में हमारी मदद की. तो इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी. और कोई बोलना चाहता है, किसको नॉलेज थी? या आई एग्री, आई थिंक फिल्म के दौरान ही हमें बहुत कुछ पता चला. एंड यू नो द फीलिंग दैट वी गॉट, वी वर ऑल सो प्राउड. इंडिया ने ये चीज़ कर दिखाई. इट वॉज द फर्स्ट कंट्री टू सक्सेसफुली सेंड इट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट, द सैटेलाइट इन द फर्स्ट अटैम्प्ट टू मार्स. एंड यू नो द थिंग्स दैट वी फाउंड आउट वाइल शूटिंग द फिल्म, हमें जब पता चली तो वी जस्ट फेल्ट रियली रियली प्राउड. एंड वी ऑल, आई थिंक आई कैन स्पीक फॉर एवरीवन, वी आर जस्ट too proud to be a part of this film. And thank you Jagan sir for having all of us in this mission of yours. Haan ji, kahan ho pehle se dekh your sector. Ha, okay, haan ji bolo, is pe hi bolu? Ha ha, thank god. Itna bolungi, mere ko ek line yaad hai jo main jab ye actual mein hua tha,
तो एक लाइन बोली गई थी कि इट इज़ एक्चुअली 1/3 ऑफ द बजट ऑफ द फिल्म ग्रेविटी दैट वी हैव मेड दिस मिशन सक्सेसफुल इन इंडिया लाइक इसरो हैज़ डन इट. सो दैट वो मेरे दिमाग में ना उस दिन से चिपकी हुई है वो लाइन. आज तक कोई मुझसे पूछता है ना कि इस पिक्चर के बारे में, ऑब्वियसली अब तो काफ़ी लोगों को पता है, सबसे ज़्यादा सबसे पहली लाइन मेरे मुँह से यही निकलती है कि 1/3 ऑफ द बजट ऑफ अ फिल्म दैट अमेरिका मेड, हमने उसमें एक्चुअली ऑर्बिटर भेज दिया मार्स तक. सबसे अभी अमेरिका नहीं, अभी 2.0 की बात करो, उससे कम में वो ज्यादा क्यों, आधे जन को कसम से आधे जन को पता नहीं लग रहा जीतने में जो मजा उधर से है ना, वन अपमैनशिप तो वही एंजॉय करूंगी ना मैं. नहीं नहीं वो तो पता ही है, वो लोग तो बड़ी फिल्में बनाते हैं, बड़े बड़े उनके बजट होते हैं, लेकिन हम छोटी फिल्में बड़ी करते हैं. सर आप गलत फिल्म की प्रमोशन कर रहे हो यहाँ. कौन सी फिल्म की कर रहा हूँ मैं तापसी, यही तो कर रहा हूँ मैं. नहीं सर वो निकल गई है पिक्चर. सर मैं थोड़ी त्रिभुवन दास भीमजी बन के आया हूँ. सर नहीं आप मेरी ब्रांड खराब करोगे सर. मैंने साइन नहीं की है कोई डील, हमें ब्रांड मत खराब करो. अक्षय सर आपका एक पर्सनल थॉट जानना चाहता हूँ सर, कि अचीवमेंट से बड़ा पैसा होता है या पैसा से बड़ा अचीवमेंट. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि डिंकल मैम ने किया था जिसमें आप खुश नहीं है फोर्ब्स मैगजीन में नाम आने से, आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, उनका कहना था. तो अचीवमेंट से बड़ा पैसा होता है, दोनों साथ में मिल जाए तो मुझे बड़ी ज्यादा खुशी होती है. तो वैसे तो ये बात तो तेरे तेरे दिल की भी होगी जहाँ भी है तू. हाँ भाई हाँ वही है. अच्छा ये हाँ तो मुझे दोनों में खुशी मिलती है. मंगलयान के लॉन्च के बाद जो फोटो निकली थी पेपरों में वो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छी तरह याद है. सो व्हेन जगन केम टू मी एंड ही शोड मी द इमेज, आई रिमेम्बर कि जब मैंने पहली बार देखा आई सॉ रेगुलर वुमेन, यू नो वुमेन यूड थिंक आर जस्ट यू नो हाउसवाइव्स, होममेकर्स, व्हाटएवर, एंड दे हैड सेंट दिस ऑर्बिटर टू मार्स व्हिच इज अमेजिंग. तो वही इमेज आई थिंक it told you that it had a great contribution from women, and this film also shows the contribution of women as much as it shows the contribution of the men. Sonakshi ji aap aur Tapsi ji aap aur aap sab jo bhi hain ji stage pe please thoda thoda bataye. Pretty much inhone sab keh diya hai. Aap bhi agar aap google karke wo photo dekh lenge to aapko ye bahut hi खुश और प्राउड महिलाओं की तस्वीर दिखाई देगी. एंड यू नो देवर द बैकबोन ऑफ दिस मिशन एंड दिस प्रोजेक्ट. एंड लाइक आई सेड वी आर ऑल वेरी प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग दोज अमेजिंग हीरोज ऑफ आर कंट्री. आई थिंक वो पिक्चर हमने रिक्रिएट करने की कोशिश भी करी थी की है. एंड आई थिंक इट्स लवली. या आई डोंट नो हाउ मच आर वी सक्सेसफुल इन डूइंग दैट, पर कोशिश करी थी हमने सेम पिक्चर रिक्रिएट करने की. ज्यादा नहीं एक्चुअली ऑनेस्टली थोड़ा हो सकता है कम दिखाया हो क्योंकि 2 घंटे 2.5 घंटे की पिक्चर होती है और इनकी जो अचीवमेंट्स है जिन्होंने किया शायद हम वो 2-2.5 घंटे में सब कुछ दिखाना और वो सारी औरतों को एक तरीके से फेलिसिटेट करना इस फिल्म के जरिए शायद पॉसिबल नहीं होगा. तो आई थिंक ज़्यादा नहीं, इनफैक्ट हमने शायद थोड़ी चीज़ें काटनी ही पड़ी होंगी फिट करने के लिए 2.5 घंटे में पिक्चर को. सो आई थिंक दे मच मच और मोर केपेबल देन व्हाटएवर वी हैव शोड देम इन द फिल्म. सो या इट इज़ एक्चुअली महिला सशक्तिकरण एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक अवे टॉपिक होगा ये पिक्चर देखने के बाद जो भी लोग निकलेंगे थिएटर से. जी अभी तो मैं लंदन से छुट्टी से आया हूँ इधर. सर आपने प्लॉट खरीद लिया मार्स के ऊपर मुझे लग रहा है. हाँ प्लॉट खरीद लिया आपने मार्स के ऊपर. नहीं पहले वो चांद की बात कर रहे हैं, चांद से फिर मार्स पे. सरकार अभी तक इतना वो हुआ नहीं है. जैसे होगा मुझे आई होप कि मेरे जिंदा होने पर और आपके जिंदा होने पर ये लोग इतना कर जाएं, बट अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा. चांद पे भी जाके छुट्टियां बितानी चाहिए बी बच्चों को लेके. फिल्मों की खासियत बनते जा रहे हैं जिसमें इंडिया को प्राउड फील करवाते हैं, बी इट एयरलिफ्ट या फिर केसरी और अब ये मिशन मंगल. क्या आपने अपने दरवाजे उन फिल्म मेकर्स के लिए खोले हुए हैं हमेशा के लिए कि जो ऐसी टाइप की फिल्में बनाते हैं जो भारत को प्राउड फील करवाए? और विद्या आपसे ये पूछना चाह रहा था कि आप पहले फिल्म मेरे साथ खत्म कर ले, मैं भूल जाऊंगा एक सेकंड. पहले मेरे साथ खत्म कर ले फिर पूछ लेना. ले भूल गए क्या? सॉरी. मतलब ऐसी फिल्में आप मतलब यूएसपी बनती जा रही है अक्षय की? नहीं नहीं देखिए मैं आप बताइए मुझे अगर ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट आपके पास आए जो इतनी कमाल की हो, जो इतनी बड़ी बात बोले और आपको एक मौका मिले कि आप पहली इंडिया की पहली स्पेस फिल्म आप प्रोड्यूस करें और आप एक्ट करें तो क्यों ना. और उसके बाद ऐसे ऐसे धुरंधर एक्टर्स इस फिल्म के अंदर वो हाँ बोलें और क्विकली मतलब एक सिर्फ एक बार सुनने के बाद हाँ बोल दें. मतलब आप सोच सकते हो 5 हीरोइनों को एक साथ लाना,
कोई मजाक काम नहीं है. बहुत बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं. वाकई में मैंने बेले हैं. Lies. Oh, Priyanka from Indian Express towards your left. My question is, there are two questions. My first question is to Akshay. Akshay, it's clear that we have five stupendous female actors in the film, and also the film celebrates the spirit of women and their success and their hard work. So how do you feel? How sad was it to have the first poster of the film with the male star taking the half of the poster and the five female stars just clubbed together in the second half? How sad do you think it is? I'm here. Sad? Yeah. No, nobody was sad. We were all very happy about it. And this poster was done and we are all happy about it. Can you see it? Are we sad? We are not sad. We are very happy about it the way it is. I said it earlier also, and abhi bhi bolta hun, this film belongs to these ladies and will always remain to these ladies. Okay. Right. The entire team. The trailer is superb. Thank you. Aapki film 15 August ko aa rahi hai. John ki Bartla House and Sahu is to coming on that particular day. All big films actually. Last year bhi aapka John ki film ke saath clash hua tha. Though you all are friends. What have you to say on this thing? Teen film, badi film aa rahi hai. अभी जॉन आपने ये पता नहीं शायद आप ही ने सवाल किया होगा लेकिन जॉन ने बहुत अच्छा जवाब दिया था. मेक सम नॉइस फॉर देसी बॉयज यार. और देखिए और वैसे भी आपको बताऊं कि बात तो सही है. देखिए साल में कितने हफ्ते होते हैं, कितने फ्राइडे होते हैं? 52. यस यस या या या. और कितनी फिल्में रिलीज होती है हमारी हिंदी फिल्में? 180 190. जी तो क्या करें, दो दो तीन तीन नहीं आएंगे साथ में तो क्या करेंगे? हाँ? किसको परेशानी हुई? क्योंकि वे फ्रेंड्स सब तो दोस्ती आ रही तो क्या होता ना. देखिए और 52 हफ्ते के अंदर करीबन 180 हिंदी फिल्में हैं, फिर उसके बाद करीबन 30-40 हॉलीवुड की फिल्में आती हैं, तो बहुत सारा कंजेशन रहेगा ही रहेगा. ये तो आगे जाके और भी प्रॉब्लम होंगी, और भी अब तो दो दो तीन तीन होती हैं, अब तो आगे जाके चार चार पाँच पाँच भी होंगी. तो इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं है. एंड वी शुड नॉट ब्लेम एनीबडी, वी शुड नॉट ब्लेम ईच अदर, वी शुड जस्ट गो अलोंग विद इट एंड दैट्स इट. अक्षय, कुछ सालों से देख रहे कि आपकी जितनी भी फिल्में आ रही है इट्स लाइक यू नो एक मैसेज के साथ होती है एंड इट्स एंटरटेनिंग. तो दैट इज योर पर्पस आल्सो, लाइक आप इस तरह की सब्जेक्ट को. अगली फिल्म हाउसफुल, उसमें बहुत बड़ा मैसेज है, वो जरूर आना आप देखने. नहीं, कॉमेडी में भी आप कुछ ना कुछ मैसेज दे ही देते हो सर. मैं कह रहा हूँ उसमें तो जरूर आना देखने. एंड वन क्वेश्चन टू शर्मन, आपकी फिल्म हमने 3 इडियट देखी थी, वहां पर भी यू नो आप थोड़े सुपरस्टिशियस होते हैं, यहाँ पर भी कुछ मंगल भारी है टाइप का रोल है? व्हाट आई वुड से अबाउट हिट है, हिट है पिक्चर. Script writer से पूछे मैं क्या बताऊं. बिफोर शर्मन कुछ बोले, मैं आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ हिम बाय द वे. I've seen all his films. He's a great actor. He's one of the best actors I've. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Sharman, how much personally you believe in this? Like, you know, पहले मंगल मिशन से पहले तो हम मंगल की बात करें तो मंगल भारी है या एस्ट्रोलॉजी से ज्यादा रिलेट करते थे पहले. क्या कहें? नहीं, पहले बिलीव नहीं करता था बिल्कुल. 3 इडियट्स के बाद बिलीव करने लगा. विपरीत हुआ, विपरीत. अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट. अक्षय पाजी ऑन योर लेफ्ट. On your left. Hi, Akshay. Akshay on your left. Akshay Paji. एक मिनट भाई साहब, आप जहाँ भी हैं रुक जाइए. Ladies first. जी. Sir, हमने हमेशा देखा है कि आप 15th August की डेट को बहुत प्रेफरेंस देते आए हैं. Suddenly अब और लोगों ने भी उसको प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया है. Suddenly, do you feel that the whole exclusivity that you had over 15th August is somewhat gone? नहीं, ऐसा नहीं. Exclusivity तो I don't think so. ऐसा मुझे सोचना भी चाहिए और किसी भी एक्टर को सोचना चाहिए, क्योंकि सारी डेटा इट बिलोंग्स टू एवरीबडी. एवरीबडी कैन कम एनी टाइम, इट दे कैन कम. सो मेरा ये सोचना गलत होगा कि ऐसा सोचूं कि ये मेरी डेट है सर. ओके गाइस, वी विल टेक द लास्ट क्वेश्चन प्लीज. नाउ लास्ट क्वेश्चन. There should be a
So these films also motivates the whole India only. That's what the whole idea is behind. Sorry? तो बेटा एक 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 फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊं मैं हां एक ही दिखा सकता हूं ना कि क्या करूं कि 20-25 दिखा दूं एक इंजीनियर भी है एक अलग-अलग उनकी कहानियां चल रही हैं भी है अलग-अलग फिल्में होती हैं ना आप समझदार हो आप समझो तो एक 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 फिल्म के अंदर कितने प्रोफेशन दिखाऊंगा बैठ के वो मत बनना वो मत करना आप Since we are talking about bringing change and since we are talking about bringing change and doing something, we see every time there's a tragedy, you come forward and you do something for the people. Like yesterday, you donated 1 crore towards the Assam Relief Fund, and then for 1 crore for the animals of Kaziranga Park. In the time when people don't care about human life, you're caring about human and animals. Do you want to say something about it? क्योंकि जनाब, ma'am, sorry, ma'am, मेरे पास बहुत पैसे हैं. तो and I'll tell you something. मैंने परसों तरसों की बात कर मैंने एक फोटो देखी थी. मैंने एक तस्वीर देखी थी जिसके अंदर एक औरत अपने बच्चे को लेके पानी के थ्रू से निकल रही थी. And actually, I consider that हम लोग बहुत लकी हैं जो हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा है. When I saw that photograph, I thought ये मेरे साथ भी हो सकता है, मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ भी हो सकता है. जैसे वो फोटोग्राफ में था कि कैसे वो पानी के अंदर इतना पानी था और बच्चे को यहाँ तक लेके जा रही थी, आसाम फ्लड का ही था. And I would just say कि मुझे सिर्फ react नहीं करना है और so sad on Twitter में नहीं डालना है. मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा ये मत डालो, कुछ करो. चाहे वो एक चवन्नी क्यों ना हो या 25 लाख क्यों ना हो या 25 करोड़ क्यों ना हो, जितना आप दे सको. गेट अप, स्टॉप ट्वीटिंग अबाउट इट एंड सेइंग इट इज वेरी सैड, इट इज सो, गॉड ब्लेस एवरीथिंग, आई होप एवरीथिंग वाज ओके. डोंट डू दैट, रिएक्ट टू इट, जस्ट डू समथिंग अबाउट इट, दैट्स इट. अक्षय भाई ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट. अक्षय भाई थे दे 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 यहां. हां जी, सो मेरा सवाल आपसे और बाकी पूरी कास्ट से है कि इस फिल्म में डायलॉग है कि साइंटिस्ट वही है जो एक्सपेरिमेंट करता है, बिना एक्सपेरिमेंट के हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते, बट ये कहीं ना कहीं आप सब पे भी लागू होते हैं बिकॉज एज एन एक्टर आपकी जो चॉइसेस रही हैं फिल्मों की अलग रही है हमेशा, नॉट पर्टिकुलर टू वन जॉनर. सो हाउ मच यू बिलीव इन दैट कि एक्टर्स को भी एक्सपेरिमेंट की बहुत जरूरत है? नहीं, सबको जरूरत है, आपको भी जरूरत है. आपका प्रश्न भी जैसे अलग है जी, इट्स एन एक्सपेरिमेंट, नया प्रश्न है. तो सबको जरूरत होती है एक्सपेरिमेंट की. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एक्सपेरिमेंट डजंट मीन कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ही is anything. It's about in journalism also, being an actor also, being a director also. So everything. Even aaj mere jo baal kaatta hai, mere yahan baitha hua hai, khade hokar namaste bol bete. To ye bhi experiment karta hai. Kitna matlab baalon pe, aaj subah isne mere baal kaate hain. Alag alag isko experiment karta hai. Mere sir, maine soch ke aaya hu. Aisi aisi bhayankar tasveerein lata hai. Main mana karta hu. अगर आप ध्यान से देखोगे इसके बालों का कलर देखिए, ऐसा लगता है होली खिल के आया है. खैर, एक्सपेरिमेंट तो बहुत जरूरी है. इट्स अ वेरी, अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी. आपको आपका खुद का इंडिविजुअल जो सोच है वो लोगों के सामने नहीं आएगा. आप एक भेड़ चाल के अंदर ही रह जाओगे. तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो फोटोग्राफर हो, चाहे वो मीडिया हो या कोई भी हो, मतलब सबको एक्सपेरिमेंट जरूर करना चाहिए, कुछ ना कुछ अलग सोचना चाहिए. और ये सोच आपको तभी आएगी जब आप बहुत, ये मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ, जब आप बहुत ऑब्जर्वेंट रहोगे, हर चीज़ को जरा अपने हिसाब से देखोगे, अच्छा सोचोगे, उसके अंदर आपको हमेशा कुछ नया चीज़ नजर आएगी और आप हमेशा सक्सेस रहोगे. अक्षय जी, मेरा सवाल ये कि आप हर फिल्म को एक अपना, जैसे बच्चे को पालते हैं ना, वैसे आप हर फिल्म के साथ आपका रिएक्शन होता है. और मतलब हर फिल्म, अब जब आप जिस फिल्म में भी होते हैं तो पब्लिक का इंटरेस्ट डबल हो जाता है. हाँ, डबल हो जाता है. लाइक लोगों को लगता है कि अब इसमें क्या होगा जिसमें अक्षय है. ये फिल्म आपके लिए बहुत प्राउड, आपने खुद बताया कि आप प्राउड फील कर रहे हैं इसमें काम करके. जी मैम. और सुनने में ऐसा आया है, मुझे पता नहीं सच है कि नहीं, कि मोदी जी आपके लिए फिल्म के आखिर में आने वाले हैं. फिल्म को
आप सुनी सुनाई बात पे विश्वास ना करें, जब आना होगा मैं आपको खुद ही बता दूंगा। नहीं, एक्चुअली मोदी जी आपके, आप मोदी जी के प्यारे हैं ना, इसलिए मैंने बोला शायद वो पिक्चर में पहली बार आए जी। अगर ऐसा है तो बहुत बहुत धन्यवाद।